महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि काशी के विकास में सभी का सहयोग जरूरी है, साथ ही सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। मैं यहां का जनसेवक हूं और नगर में स्वच्छता, अतिक्रमण से मुक्ति और सुगम यातायात सुनिश्चित करना मेरा प्रयास है। नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है। श्री तिवारी ने यह विचार गुरुवार को पनाणकन स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण और जाम इस नगर की बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए पहले चरण में रथ यात्रा गदौलिया दशाश्वमेध मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी नगर निगम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम काम कर रही है। महापौर ने बताया कि नगर में विभिन्न स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर नियमित माल्यार्पण की व्यवस्था नगर निगम की ओर से शुरू की गई है। इसके लिए हर जोनल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सेनपुरा स्थित पशु चिकित्सालय परिसर को सोना चांदी की मंडी के रूप में विकसित करने पर प्रस्ताव बनाया जा रहा है। महापौर ने बताया कि नगर में 10,000 पौधे रोपने की योजना है। इन पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित भी किया जाएगा। इसके लिए हर पार्षद से प्रस्ताव मांगा गया है। श्री तिवारी ने बताया कि नगर निगम की ओर से जल्द ही कजरी महोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा ताकि जनता इसे अपना कार्यक्रम महसूस करे। श्री तिवारी ने कहा कि काशी को पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास शुरू किया गया है। काशी जिंदा शहर बना रहे इसके लिए परस्पर संवाद जरूरी है। इस दौरान संघ के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद सिंह, हिमांशु उपाध्याय, आर संजय, ए के लारी, राजेश राय, शैलेश चौरसिया, डॉक्टर राजा कृष्ण चतुर्वेदी, रोहित चतुर्वेदी, राजेश यादव ने महापौर को नगर के विकास के संबंध में सुझाव दिए। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने स्वागत धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र व संचालन संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र ने किया। कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त व राजनाथ तिवारी, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, मंत्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह, संयुक्त मंत्री देव कुमार केशरी, कैलाश यादव, राकेश सिंह, डॉक्टर कविंद्र नारायण, विमलेश चतुर्वेदी, राम मिलन लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेंद्र पाठक, अजय राय, सुरेश गांधी, आदर्श शर्मा, जयप्रकाश श्रीवास्तव, अनिरुद्ध पांडे, मुन्ना लाल सहनी, आशुतोष पांडे, अमित शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। एक संवाद कार्यक्रम था। जीवन में संवादहीनता की स्थिति बनती जा रही है, ऐसे में हम लोगों ने आज महापौर अशोक तिवारी जी को आमंत्रित किया पत्रकारों के बीच में और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए और एक दूसरे के करीब आने के लिए ये आयोजन था। जब वैचारिक स्तर पर हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो आदमी की जो बीच की दूरी होती है ख़त्म होती है। ऐसे में आज ये संवाद कार्यक्रम काशी पत्रकार संघ की ओर से था, जिसमें महापौर जी आए और पत्रकारों के साथ बैठे, चाय पी और नगर की कुछ समस्याओं के ऊपर बड़े आत्मीय भाव से चर्चा की। जो नगर की समस्याएं हैं, जैसे अतिक्रमण है, जाम है और जो गंदगी है, इन सब जो क्योंकि मोदी जी का क्षेत्र है और स्वस्थ काशी, सुंदर काशी का एक नारा है, उसी के तहत हम सब की जिम्मेदारी बनती है। शासन के स्तर पर हम लोग आश्रित न रहें कि शहर को अपने को साफ रखें। इसी पर मंथन हुआ कि हर व्यक्ति को पहल करनी चाहिए कि वो अपने शहर को साफ रखें और एक मित्रवत आज हम लोगों का एक संवाद था आपस में पत्रकारों के बीच में।